सब ये यहाँ मामू के घर पे आ चुके हैं, तो कलर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखें, और मामू शहजाद बैठा हुआ है। हाँ, हमारे एक बंदा जो है ना, तो कुछ सामान लेने गया था, वो मेरे से रास्ता भटक गया। वो रास्ता भटक गया और कलर बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक आया ही नहीं वो बंदा, और कलर बहुत अच्छा लग रहा है। रास्ता तो नहीं भूल गया, बताओ जरा। वो रास्ता भूल गया, उन्हें खुद नहीं पता। और मामी सुमेरा, कलर बहुत अच्छा लग रहा है, हमने भी अपने कमरे में कमरे में ये करवाया। हाँ जी, तो विवाह यहाँ चलते, तो मामी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसी आई हो ऐसे लग रहा है जैसे आगे जल आई है घर में। हाँ, ऐसे लग तो बहुत जगह ना, अब सो रही है। ये देखो कितना घन पड़ा हुआ है। चाय मामी ने उधर रखी हुई है, तो यहाँ ये देखें बहुत ज्यादा खराब। जब अच्छी सी सेटिंग हो जाएगी तो फिर आपको दिखाएंगे। वॉशरूम भी हो गया कंप्लीट, तो वॉशरूम भी बहुत अच्छा लग रहा है। मामू ने बहुत अच्छा बनवाया वॉशरूम, और बहुत खर्चा हो गया ना मामी। यार जब काम शुरू करे ना तो ऐसे ही हो जाता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, शुक्र है खुदा का, पास थे तो लगा लिए। चलो अभी बस चलते हैं घर पे। हेलो जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खुदा के रहम करम से ठीक होंगे, और आपकी दुआओं से अब भी बिल्कुल ठीक हैं। और जो है यहाँ पे हो गया है शहजाद का बाथरूम जो हो गया वो कंप्लीट बन गया है, और यहाँ पे कलर का काम हो गया स्टार्ट, तभी आपको पैक करके दिखाते हैं। वो यहाँ पे आ चुकी है सीढ़ी हमारी, और कलर जो है भाई ये देखो ब्राई कर रहे हैं अच्छे से। ये पेंटर मंगवाया हमने स्पेशल। हाँ जी भाई, हाय हेलो करो ज़रा। हाँ, तो ये जी कलर की आ गई हैं बाल्टियाँ हमारी, और यहाँ पे कलर होने लगा स्टार्ट, तो अभी शुरू होता है, तो उसके बाद फिर दिखाते हैं कि कौन सा कलर हो रहा है। यहाँ पे जो है हमारा बच्चा, स्पेशल बच्चा बुलाया हमने। हाय हेलो करो भाई। हेलो, तो बताओ कौन हो आप? मैं शहजाद का दोस्त। और ये शहजाद का बचपन का दोस्त है, जब हम लोग बिटाइयाबाद में रहते थे, है ना जी। तो इसका नाम क्या है? शराज। और देखो मुझे इसका नाम नहीं पता, मुझे इसका नाम पता लेकिन निकनेम पता है, तो शराज का नहीं पता था। तो चलो जी कलर निकनेम नहीं गए थे, वो अच्छा नाम अच्छा नाम नहीं। तो यहाँ पे जो है ना कलर हो गया स्टार्ट, तो बच्चे कर रहे हैं, तो फिर दिखाते हैं आपको। और यहाँ मैं जो ना एक सर पे खड़ा होकर काम करवा रहा हूँ, ये बड़ा काम चोर है। नहीं, काम चोर तो नहीं है, काम कर रहा है बेचारा। नहीं, ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा काम करता है। अभी आपको शुरू कर दिया कलर, जब फाइनल हो जाएगा तब भी आपको दिखाएंगे। हाँ। तो आपको जो है ना इसका मोबाइल नंबर मेरे वीडियो में मिल जाएगा, तो आप कॉन्टेक्ट करना हो, कराची में कहीं भी कलर कहीं भी कर देगा, हर जो पीछे जाले गिर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे काम जो हो गया स्टार्ट, तो चलो जी काम होता रहता है, तो आपको वीडियो साथ साथ मिलती रहेगी। और यहाँ पे लियू भी आ गई। हाँ, इधर आ जाओ, जाले गिर रहे हैं, इधर आओ बेटा। पे लियू ने नहा लिया। हाँ, क्या हाल है? और लियू नाराज है थोड़ी सी, और लियू ने नहा लिया। यहाँ पे सफाई भी सुमन ने पूरी कर ली अच्छे से, और यहाँ पे चारपाई बहुत मैली, और इसी चारपाई को भी हमने धो लिया अच्छे से। और यहाँ पे जो है ना, जा मामू से वो लेके आ छुरी। हेलो कर, हाय गाइस, जा रहा सनिया भाभी को। हाँ जी, क्या हाल है? वीडियो वीडियो बनाया कर रहे, थोड़ा हम भी देखें कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है हमारे घर पे। तो फिर ये वीडियो देख के तो रूटीन इसको समझ में आ जाती है, आज सबने क्या क्या किया ना, क्या क्या किया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर 15 तारीख का कंफर्म हो गया प्रोग्राम? 15 तारीख को कंफर्म है जी, और हमने जाना है उधर घर की छत पे ही रखना है प्रोग्राम, और जिस जिसने आना है लाइक करे, फॉलो करे और आ जाए, और आ जाए जल्दी से। और अभी मुझे दो बंदों की कॉल आई है, गिफ्ट लेके आए। हाँ, तो दो बंदों की कॉल आई है अभी। दो गिफ्ट लाना, एक अंजलि का और एक हम दोनों मियां बीवी। हाँ, तो क्योंकि अंजलि की भी बर्थडे है, और जो है ना इनकी, वैसे हमारी हैप्पी एनिवर्सरी कल है, एनिवर्सरी कल है। हाँ, 7 तारीख रखा है, क्योंकि पंजाब से मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। आ रहे हैं सच्ची में? मैंने फोन करके बोला बड़े बड़े गिफ्ट लाना है। वाकई आ रही है आपकी साली? नहीं, वो नहीं आ रही। तो अच्छा जी, चलो फिर साला आ सकते हैं, मामू लोग आ सकते हैं, नाने अब्बू लोग तो अभी बूढ़े हो गए, तो अभी वो लोग नहीं आ सकते हैं ना, नहीं आ सकते, इनको मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे सनिया, सनिया नहीं, यूं कर बुकल क्यों मारी हुई है? क्या हुआ, सर्दी? नहीं नहीं, नहीं, ये वो वाला गाना सुना रही थी हमें, वो पंजाबी गाना नहीं, इधर घुमा बुकल दे पीछे। तो मिलजुल के ना ये सारे कर रहे भाभी जनिया की खिंचाई, ऐसी बात ये बहुत। तो
तो इसकी कर रहे हैं खचाई और खींच रहे सब, तो ये टांग अपनी ना खिंचवा लें भाई, हम लोग जो अपनी भाभियों के साथ है ठीक है ना। तो अभी हम लोग मिलके मजाक कर रहे थे सुमैरा को, और सुमैरा जो वो नाराज होके चली गई थी। है मिशेल मेरे मोबाइल का वो मसला हल कर दो। जब हम लोग इकट्ठे होते हैं जो हत्थे चढ़ जाते हैं उसकी कितनी बुरी होती है, सही बात है। हाँ तो मैं ही तो, हाँ तो जब पिट्ठी थी इधर तो सब मिलके पिट्ठी को कितना तंग करते थे, सब उसकी टांग खींचते थे। हाँ तो वो फिर जो हत्थी लग जाता है फिर वो चुप कर जाती। हाँ वो इतना गुस्सा नहीं करती, वो जब कोई बात करता था फिर आगे आगे जवाब देती थी उसको जरूर। नहीं जवाब देती पता है सबको, वो भी सुन लेती। हाँ तो उसकी आदत है ना ऐसी कि वो जो है ना कहती चलो जो करना कर लो। यहाँ पे चाय हमारी आ चुकी थी और यहाँ पे गोपाल पीने लगा। क्या हुआ है, किससे बात कर रहे हो? अच्छा तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, चाय पी के बताओ कैसी मिशेल ने बनाई है। यहाँ पे मारिया भी है और मिशेल ने ये देखो टूटे हुए कप में चाय डाल दी, तो ऐसी मुझे नहीं पसंद हरकतें। मिशेल सही वाले कप में दिया करो चाय, मामू ने बोला टूटे हुए कप में चाय दे दिए। फेंक दो फेंक दो। मामू यहाँ चले गया तो मामा लोग बैठे हुए, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं कर रहे। टिकटॉक के बारे में अभी एक कमेंट आया कि टिकटॉक वालों पंजाबियों को पागल कर दिता है, अपने अपने शहजादियां ते हीरो समझ दिया ने। अच्छा तो यहाँ भी बस नानो बैठी है, तो नानो की नजर थोड़ी सी तबियत खराब है। नानो की तबियत नहीं, नानो का मूड खराब है इस टाइम। क्या हुआ मूड? वीडियो बनानी है, मैं मुंह तोड़ दूं। मेरे पैसे दे दो, मेरे जो पैसे देने हैं। नानो बोलती मेरी वीडियो नहीं बनाओ। ये देखो 10 तारीख पे आ गए। ओ ला नानो ने गाल निकाल दी। तो यहाँ नानो ने निकाल दी है गाल। तो यहाँ नानो मम्मा को डांट रही और गालियां निकाल रही है, और गर्मी यहाँ मनसनिया बैठी है। मामू चले गए, मामू आपको थोड़ा सा तंग कर रहा था। कोई बात नहीं, कभी कभी तो आके तंग करता है। हाँ कभी कभी आके तंग करता है। तो व्यूअर्स यहाँ और भाभी अमीना हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप ऐसे ही अम्मा को हमारी शिकायतें लगा रहे थे, और अम्मा इसकी वजह से अम्मा ने सबको डांटा है ना सनिया, भाभी अमीना की वजह से अम्मा ने सबको डांटा है कि आप लोगों ने जो है ना कोई गलती की। तो व्यूअर्स मामी अमीना की तबीयत ठीक नहीं है, तो आपसे अपने दुआ करनी है क्योंकि गर्मी की वजह से उनकी होगी तबीयत खराब। हाँ। तो उनको ड्रिप लगी हुई थी। हाँ तो मामी को ड्रिप लगी हुई थी, तो आपसे अपने दुआ करनी है खैर खैरियत से मामी घर पे आ जाएं और खुदा मामी को तंदुरुस्ती दें। हाँ अल्लाह हाफिज़।